मोदी जी? देखिए राजीव जी, कर्नाटक के इलेक्शन के बाद से ही ये सिलसिला चालू हो गया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। कर्नाटक में हम लोगों ने यहाँ बहुत चर्चा की, प्रोफेसर के स्वामी ने, आपने समझे कि मोदी साहब ने महादेव, वो बजरंगबली का नाम भुनाया, बनाने की कोशिश की वहाँ पे, और जनता ने उस पर अपना फैसला सुना दिया। उसके बाद से अगर आप गौर करें, मोदी जी के भाषणों की हवा निकल गई। अब वो भाषण, अब आप याद कीजिए कि राजस्थान में ये गए और राजस्थान में इन्होंने कन्हैया लाल का नाम लिया, और कन्हैया लाल का नाम लेके राजस्थान के चुनाव को में ध्रुवीकरण का सिक्का चलाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। कोई चर्चा नहीं, किसी किसी ने कोई चर्चा नहीं की। आप देखिए कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में गए, छत्तीसगढ़ में इन्होंने महादेव का नाम लिया, महादेव के नाम पे भी एक दिन बात हुई, उसके बाद खत्म। उसको उस पर कोई चर्चा नहीं, मीडिया ने कोई नहीं लिया, अपोजिशन पार्टी ने नहीं लिया। अब आप देखिए कि इन्होंने कांग्रेस को किस किस तरीके से, कांग्रेस को कहा कि ये देश के तोड़ने वाले ताकतों के साथ है, विदेशियों के साथ है, इंडिया गठबंधन को न जाने क्या, तो जो भी इनके मुंह पे आ रहा है ये बोल देते हैं। लेकिन उसमें जो ध्यान देने वाली बात है राजीव जी, वो ये कि अब इस पे बहस होना बंद हो चुकी है। अब ये लगभग मोनोलॉग है, मोदी जी खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं। तो ये कर्नाटक के इलेक्शन के बाद जो है ये देखने को मिला है। आगे की पंक्ति में बीजेपी कार्यकर्ता होते हैं, वो जो उनको ये ब्रीफ होता है कि वो जिंदाबाद वगैरह करेंगे। तो जी ये एक तब्दीली जो मोदी जी के भाषणों की आई थी, और आप देखिए कि बीजेपी का पूरा जो प्रचार तंत्र है वो इसी पे, मोदी जी के भाषणों पर टिका होता है। यही उनको गुमान होता है कि मोदी साहब आएंगे, रैली करेंगे और मौसम बदल जाएगा। लेकिन वो मौसम बदल नहीं रहा है, जी और जैसे दिल्ली का मौसम बदला अचानक कल, और सुबह हवा साफ हो गई। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी के भाषणों से अब कुछ हिलता डुलता नजर नहीं आ रहा है, 3 दिसंबर को भी बारिश होगी और मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा और हवा साफ होगी, ऐसा जी मुझे लगता है। और उसमें कांग्रेस की रणनीति बड़ी कामयाब रणनीति है, मैं कहूँगा जी राहुल गांधी और कांग्रेस की रणनीति, कि कांग्रेस अपने एजेंडा पे, अपने प्रोग्राम पे, अपने नैरेटिव पर टिकी हुई है। अब कांग्रेस मोदी जी का या बीजेपी का को पे प्रतिक्रिया नहीं देती। आपको याद होगा कि इवन जब वो ईडी भी गया छत्तीसगढ़ और महादेव ऐप आया, तो राहुल गांधी ने इसका इसका कोई संज्ञान ही नहीं लिया, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ। जी तो ये एक बड़ी कामयाबी कांग्रेस ने अब जाके जो है वो सही रणनीति अपनाई है, कि इनके जो जाल में फंसना ही नहीं है। तो इसकी वजह से मोदी जी अपने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं, इसलिए क्योंकि तो अब इनके भाषणों का कोई हलचल नहीं होती, मीडिया पे भी इनका जो अपना मीडिया है उस पर भी बहस नहीं होती है। तो ये तब्दीली आई है, और इस तब्दीली आप देखिएगा कि ये जैसे कर्नाटक के इलेक्शन में एक आपको ट्रेंड दिखाई दिया, मुझे लगता है कि जिस तरीके के भाषण हो रहे हैं मोदी साहब के, और जिस तरीके के उनके भाषणों में कोई कंटेंट नहीं होता, और कंटेंट होता भी है तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती, मुझे लगता है कि ये जैसा कर्नाटक में असर हुआ वैसे ही असर इन राज्यों में भी होगा। क्योंकि तो मोदी साहब के पास जो एक समस्या आ गई है वो कंटेंट की समस्या है, वो मुद्दों की समस्या है, कि वो किन मुद्दों को लेकर जाएं। और ये कन्फ्यूजन बीजेपी के अंदर, बीजेपी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में ये जो कन्फ्यूजन आया है, जी ये कांग्रेस की वजह से आया है, कि कांग्रेस ने इस पे एंट्री लेना ही बंद कर दिया है। तो जब कांग्रेस नहीं जाती है तो उसके पास कोई, उनके पास चारा नहीं है, तो
बीजेपी के पास या मोदी साहब के पास कोई नया कंटेंट नहीं मिलता सिवाय इसके कि अभी जैसे अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मुझको गालियां दी जाती हैं, गालियों को उन्होंने किलो के हिसाब से भी नाप के बताया कि कितने किलो दी जाती हैं, लेकिन उसका भी आप देखिए कि कहीं कोई असर नहीं दिखाई देता है। ऐसा कोई है तो गिन बार के नहीं भी मतलब बताया ऐसा था, मोदी साहब। आप याद कीजिए कि गिन के भी बताया थे कि 95 बार गालियां दी गई हाँ वो कर्नाटक वहां चुनाव कर्नाटक में गिन के बताया था, अभी उसको उन्होंने किलो में कन्वर्ट कर दिया है, एक जी नई यूनिट लेकर आए हैं, तो अब वो किलो के हिसाब से बता रहे हैं गालियां, लेकिन आप देखिए कि उस पर भी कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही कहीं से। बीजेपी के लोग भी नहीं कह रहे कि देखिए प्रधानमंत्री को गाली दिए जा रही है किलो के हिसाब से और कांग्रेस ये कर रही है वगैरह, तो कोई कहीं से ना इनके पक्ष से ना इनके विरोध से ना मीडिया में और ना ही इनके मीडिया में कोई जवाब नहीं आ रहा है। ये बीजेपी की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में बड़ी एक खामी नजर आ रही है। आप देखिए बीजेपी आईटी सेल, मैं नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन चलिए ठीक है मैं नाम ले ही लेता हूँ, अमित मालवीय। अब आप उनके ट्वीट्स को आप देखिए, उनके ट्वीट भी मोनोटोनस हो गए हैं, कहीं कोई वो एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं। कभी होता था कि बीजेपी आईटी सेल को ट्वीट करता था और सोशल मीडिया का एजेंडा सेट हो जाता था, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो ये कांग्रेस की बड़ी कामयाबी है कि इनको कम्युनिकेशन के हिसाब से डिसार्म कर दिया है। अब मोदी जी के भाषणों का वो जितना भी उंगली उठा ले, जितना भी वो आंखें मटका ले, जितना भी वो कुछ कर ले, उससे कुछ असरा लोकसभा में रिसर्च करके बोलती हैं। मोदी जी के भाषण के बाद लोग रिसर्च करते हैं उस पर कि ये कहाँ से लाए हैं। तो ये दोनों के भाषणों में अंतर है। लेकिन देखिए जैसी मैं पहले बात कर रहा था कि सारा कुछ खेल राजनीतिक विमर्श का है और उस विमर्श में बीजेपी पीछे होती चली जाए। जैसे मान लीजिए परिवारवाद का आरोप, मीनू जी ने बताया था पिछले राउंड में कि येदुरप्पा के बेटे विजेंद्र को बना दिया गया बीजेपी का अध्यक्ष। 28 में से 25 सीटें कर्नाटका में जीत के आए थे बीजेपी 2019 में। अब परिवारवाद का कोई भी भाषण मोदी जी देंगे तो आप देखिए कि वो कितना झूठा और खोखला साबित होगा। इसमें तो रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी। देखिए किसी को राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिल जाता है, किसी या कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे के टिकट के लिए परेशान होते हैं, ये तमाम और पार्टियों में हो रहा है। लेकिन जो पार्टी आरोप लगा रही है वो किसी प्रदेश का अध्यक्ष बना दे तो फिर, और उसके बाद वो भाषण भी दे परिवारवाद पे, तो इस देश की जनता मतलब कोई मूर्ख नहीं है, वो देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे सजग लोग हैं। तो बीजेपी जैसी आप चर्चा कर रहे थे कि कैसे अपने ही विमर्श के लिए अपने ही खिलाफ जा रहे हैं, अपने ही विमर्श के खिलाफ जा रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी की वैचारिक रूप से भी बड़ी मिलावट बीजेपी में हो रही है। आप कहते हैं रेवड़ी बांटने का मोदी जी मजाक उड़ाते हैं, देश के टैक्स पेयर जनता का ही मजाक उड़ाते हैं, देश की जनता गरीब जनता का मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद फिर आप अपने मैनिफेस्टो पे या अपनी घोषणाओं में रेवड़ियों के बोरे खोल देते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, दोहरापन है, ये अब लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि इनके भाषणों पे अब कोई शोर नहीं मचता, कोई बहस नहीं छिड़ती है, कोई विपक्ष जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जो टीम है अभी, वो बीजेपी आईटी सेल मोदी साहब अमित शाह, वो केवल राहुल गांधी को राहुल बाबा कह के आप छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो गंभीर सवाल है और आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। ऐसे आप खारिज नहीं कर पाएंगे। जो आदमी 4,000 किलोमीटर
चल गया भारत में और उसकी बात अब लोग सुनते हैं, तो उसको आप खारिज नहीं कर पाएंगे। और ना ही आप जो है वो, अगर वो राहुल गांधी कुलियों से मिल रहे हैं, वो बढ़ई से मिल रहे हैं, वो मोटर मैकेनिक से मिल रहे हैं, तो क्या उनको भी आप ईडी और सीबीआई भेजोगे उनके यहाँ भी? तो ये थोड़ा सा परेशानी का कारण बन रहा है बीजेपी के लिए, कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी से डील कैसे करें। ये बड़ी समस्या उनके सामने आ गई है और उसका वो जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और राजीव जी, अगर ये चुनाव 3 दिसंबर को 5-0 हो जाए, या बहुत बेहतर बीजेपी करेगी तो 5-1 हो सकता है, तो 5-0 या 5-1 की स्थिति में ये जवाब और भी मुश्किल हो जाएंगे जी। तो ये बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। और मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी साहब जिस आइवरी टावर में, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा लगता है कि आइसोलेट कर लिया है। अमित शाह तो थोड़ा सच्चाई के करीब रहते हैं, उनके भाषणों को अगर मैं सुनता हूँ, लेकिन मोदी साहब की ने अपनी एक अलग मेक बिलीव वर्ल्ड बना लिया, अपनी एक अलग दुनिया बना ली है, और उस इको चैम्बर के अंदर वो हैं। या तो उनके एडवाइज़र उनको नहीं बताते हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत समय, मतलब जिन्होंने इमरजेंसी देखी है और उनको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द भी ऐसे लोग जमा हो गए थे जो उनको सच्चाई नहीं बताते थे। तो अभी मोदी साहब को जो कम्युनिकेट होता है, वो क्या कम्युनिकेट होता होगा, मैं उसका अंदाज लगा रहा हूँ कि साहब आप मध्य प्रदेश हो सकता है हार जाए, लेकिन लोकसभा में आपको लोग वोट देंगे, चिंता मत कीजिए आप। तो ये जब क्या होता है कि जब कोई एक ऐसा नेता जो अजनायकवाद का नेता होता है, जो जिसके अंदर तानाशाही के सिम्टम्स होते हैं, उसके जो सूचना तंत्र होता है वो डरता है उनसे कि इनको अगर हम खराब खब बताएंगे तो हमारे यहाँ ईडी भिजवा देंगे ये। तो इसलिए भी नुकसान मुख का ये हो रहा है कि उनको जो करेक्ट फीडबैक है वो नहीं मिल रहा। आगे वो उनके मंच के आगे बीजेपी के कार्यकर्ता बैठ जाते हैं, वो ताली बजाते हैं, वो हर हर मोदी करते हैं, तो उनको जो करेक्ट फीडबैक है वो नहीं मिल रहा। बहुत दूर तक उनकी आँख नहीं जाती होगी कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ दर्शकगण उसमें लिख रहे हैं कि वो पीछे की जनता कैसे रिएक्ट करती है, उसको मोदी साहब देख नहीं पाते जी। तो ये एक बड़ी समस्या जो कह रहे हैं कि अपने जाल में फंस गए, वो ये है जाल कि उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी जो एक व्यक्ति है, इस डील कैसे किया जाए, ये मुश्किल है उनकी।